नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल देसी घरेलू ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक और छोटी सी जानकारी देने जा रहा हूँ, तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इसका इस्तेमाल करके ठीक हो जाइए। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे मेरे वीडियो में ये रखा हुआ हूँ, तो सोच रहे होंगे ये क्या दिखा रहे हैं पत्ती जैसे। तो ये दोस्तों, आप ये जान लीजिए, ये है बेल की पत्ती। बेल का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। बेल हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है। गर्मियों में आप बेल का रस ज़रूर पिए होंगे। गर्मियों में आप बेल का रस ज़रूर पिए होंगे। जगह जगह नुक्कड़ पे बेल का रस मिल जाता है आपको पीने के। बहुत ही ठंडक पैदा करता है पेट में, और हर जगह बहुत ठंडक पैदा करता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बेल के पत्ते के बारे में बताने जा रहा हूँ, इससे क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये है बेल पत्ता। आप ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा पास से बेल के पत्ते। यह बेल के पत्ते, ये देखिए बेल के पत्ते। दोस्तों, अगर आप बेल के पत्ते के फायदे के बारे में जान लेंगे ना, तो आप 2-3 पत्ता रोज वैसे भी खा लेंगे। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ, दोस्तों बेल के पत्ते खाने से आपका कैंसर रोग भी ठीक हो सकता है। आपने सही सुना, आपका कैंसर रोग भी ठीक हो सकता है बेल के पत्ते का लगातार सेवन करने से। और दोस्तों, पेट की समस्या हो, आपको अपच रहती है, कब्ज रहती है, आपका पेट नहीं साफ होता, तो आप बेल के पत्ते का नियमित सेवन करें, आप पेट रोग से छुटकारा पा जाएंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको कैंसर हो गया है तो आप बेल के पत्ते का लगातार सेवन कीजिए, आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, बेल का पत्ता बहुत ही लाभकारी होता है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो बेल का पत्ता ठंडा बहुत होता है। अगर जैसे पेट की गर्मी हो जाती है तो पेट में दर्द रहता है, जलन रहती है, भूख नहीं लगती, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आप सुबह सुबह बेल के 4 से 5 पत्ते सुबह सुबह खाली पेट खाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आपको पेट संबंधी कोई भी रोग होगा, आप एकदम 100% ठीक हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, मैं ये सब चीज़ झेल चुका हूँ तभी आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा तो फ़ायदा ये करता है पेट रोगों में। पेट रोग में कोई भी दिक्कत हो, अगर आपका पेट नहीं साफ हो रहा है, बदहजमी हो गई है, आपको बार बार दस्त जाना पड़ रहा है, तो आप सिर्फ बेल के पत्ते का इस्तेमाल कीजिए। आप बेल का पत्ता ऐसे भी खा सकते हैं, आप बेल पत्र चूर्ण भी आता है पतंजलि या, और डाबर का भी आता है, तो आप इसको अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिर्फ सुबह खाली पेट 1 से 2 चम्मच बेल चूर्ण या बेलगिरी भी आता है, लेकिन आप सिर्फ बेल के पत्ते के फायदे में जान रहे हैं, तो आप बेल के पत्ते के चूर्ण ले भी सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो आप बेल का पत्ता, ताज़ा बेल का पत्ता सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो इसका इस्तेमाल कीजिए। और आप अगर आप कैंसर रोग से पीड़ित हैं तो आप बेल के पत्ते का नियमित सेवन शुरू कर दीजिए, आपका कैंसर रोग ठीक हो जाएगा। और जैसे दोस्तों, किसी किसी स्त्री के दूध नहीं रहता, तो बच्चे दूध पूरा नहीं पा पाते, तो बेल के पत्तल के लगातार सेवन से दूध में वृद्धि होती है। आपने सही सुना, जिस स्त्री के दूध कम बन रहा हो उसको लगातार बेल के पत्ते का सेवन करना चाहिए, तो दूध बनने में वृद्धि होगी। दोस्तों, अगर आपको पेट में दिक्कत है, पेट दर्द हो रहा है, पेट में ऐंठन हो रही है, आपकी दस्त हो रही है, आपको कब्ज हो गया है, तो दोस्तों आप बेल पत्र का सेवन लगातार शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे 10 से 15 दिन में आप एकदम ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये रही मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकें। दोस्तों, ये देसी घरेलू ज्ञान में मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप लोग सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आप मिलें हमसे दूसरे वीडियो में।